अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 14वें इफ्तारी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हमने बनाया है चना चाट और चिकन मसाला पाव बनाया है, और यहाँ पे वाटरमेलन की शरबत बनाई है जिसे मोहब्बत का शरबत भी कहा जाता है। ये शरबत बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये चना मसाला भी बहुत ही चटपटा और ये चिकन मसाला पाव भी बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे हमने चने लिए जिसे हमने सुबह में रोज़ा रखते समय हमने सहरी के टाइम पे से भिगा लिया था। इसे आप 7 से 8 घंटे के लिए भिगा लें। फिर इसके अंदर हम नमक डालेंगे, पानी डालेंगे और बॉयल करने रख देंगे। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, इसके अंदर हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, दही डालेंगे 2 चम्मच, लाल मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। और मिक्स करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख ले मैरिनेट करके। तो इस तरह से एक बार मसाला पाव आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 2 से 3 चम्मच, इसके अंदर हमने एक बारीक कटी हुई चॉप की हुई प्याज डाली है। प्याज को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके अंदर हम एक टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हमने बारीक कट कर लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1/2 चम्मच, और थोड़ी देर के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे डालेंगे और मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे अभी हम चिकन को पका लेंगे। 10 मिनट में चिकन आसानी से पक जाएगा। यहाँ पे हमने चने को बॉईल कर लिया, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चने बॉईल हो चुके हैं। इस तरह से हाथों से आप मैश करके देखिए, तो इस तरह से आसानी से मैश हो रहे हैं, मतलब हमारे चने अच्छी तरह से पक चुके। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऑयल लिया, 1/2 चम्मच जीरा डाला, और 1/2 चम्मच हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला, और 1 टेबल स्पून हमने लाल मसाला डाला है। और हमने जो चने बॉईल किए थे उसे डालेंगे। चने बॉईल करके सिर्फ इसे हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच। हमने धनिया को एक दरदरा सा पीस लिया है। अभी हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और मिक्स करेंगे, और इसका गैस बंद करेंगे और इसे हम ज़रा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, और 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही चटपटा सा हमारा चिकन का मसाला रेडी हो जाता है। चने भी हमारे पक चुके हैं, चने को सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए पका लिया। इसका हम गैस बंद करेंगे और इसे भी हम ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और गैस बंद कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने पाव लिए जिसे हम बीच में इस तरह से कट करेंगे, और जो चिकन का मसाला रेडी है उसे रखेंगे। आपको इसके अंदर जितना मसाला चाहिए कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख ले। थोड़ी सी प्याज नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ रखेंगे। अगर आप चीज़ नहीं रखना चाहते तो हम थोड़ा थोड़ा ये सिर्फ रखेंगे, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसे बंद करेंगे। और इसी तरह से सारे पाव रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने पैन में बटर लिया है, बटर के ऊपर हम थोड़ा सा लाल मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और हमने जो पाव रेडी किया है उसे रखेंगे। इसे ज़्यादा देर पकाए वरना आपका मसाला जल जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसके ऊपर पाव रखेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा इस तरह से लगा लेंगे जो बटर है। और इसी तरह हम सारे पाव को हम सेक लेंगे, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए दोनों तरफ से सेक लेना है अलग पलट करते हुए। दोनों साइड से सेकने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारे चने भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम 1/2 आलू डालेंगे कट करके बॉईल किया हुआ। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। कटी हुई थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ी सी टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। और अभी कैरी का मौसम है, तो इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैरी भी डालेंगे ताकि बहुत ही चटपटा सा लगे। और 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे। काफ़ी
काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा और चाट मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही चटपटा सा हमारे चना मसाला रेडी हो जाता है। चना चाट बोल सकते हैं, चना मसाला बोले, जो बोलना चाहते हैं बोले। और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसे सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही चटपटा सा लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे हमने एक पतीले में दूध लिया है और यहाँ पे हमने कलिंगड़ लिया है जिसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके हम कलिंगड़ की शरबत बनाएंगे जिसे मोहब्बत का शरबत भी कहा जाता है। और सच में ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस शरबत लगती है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हम कलिंगड़ को एकदम बारीक बारीक इस तरह से कट करेंगे। अगर आपने इस तरह से एक बार शरबत बना ली तो आपको इस तरह से बार बार रोज़ रोज़ इसी तरह का शरबत बना के पीने का मन करेगा। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कर, बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही कम चीज़ें लगेंगी इसमें, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस है पीने में। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। आपको इसके अंदर जितना कलिंगड़ चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पर हमने सब्जी के बीज को थोड़ी देर के लिए भिगा के रखा था, उसे डालेंगे। शक्कर डालेंगे 5-6 चम्मच। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते, रूह आप ज़्यादा डालें। हम यहाँ पे शक्कर भी डालेंगे और रूह आप ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच भर के 1 चम्मच डालेंगे और बाद में और थोड़ी सी डालेंगे। तो आप चाहे तो ज़्यादा शक्कर डालें, या अगर आपको ज़्यादा रूह अफज़ा चाहिए तो रूह अफज़ा ज़्यादा डालें। और मिक्स करेंगे और बर्फ़ डालेंगे। और इस तरह से ठंडी ठंडी शरबत आप सर्व करें तो बहुत ही डिलीशियस है। आप एक बार इस तरह से ट्राई करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। शक्कर को अच्छी तरह से पिघला लें हम थोड़ा सा, और रूह अफज़ा डाल रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ हमने डाला और मिक्स कर देंगे। वो बर्फ़ और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड किए आइस के क्यूब्स। आपको जितना बर्फ़ डालना है उतना डालें। और इस तरह से शरबत को आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी इजी सी इफ्तारी की प्रिपरेशन हो चुकी है। चना चटपटा या चना चाट जो भी है वो बहुत ही मज़े का है। और ये मसाला पाव भी है, ये भी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही चटपटा सा लगता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हमने सिर्फ 30 मिनट में अंदर ये इफ्तारी रेडी की। सिर्फ हमने चने को सुबह में ही भिगाने रखा था। और इस तरह से बहुत ही मज़े की हमारी इफ्तारी की प्रिपरेशन हो चुकी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।